अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हादिया शहाब। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। मेरे बच्चों ने अचानक फरमाइश कर दी थी कि मैक्रोनीस बनाएं, तो मैंने कहा चलो जो सामान पड़ा है उससे मैं मैक्रोनीस बना लूँगी। तो ये बंद गोभी पड़ी हुई थी, तो इसके छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए हैं। और इसके अलावा मेरे पास शिमला मिर्चें भी थी, और ऐसे भी गर्मियों में ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं होती हैं कि हम मैक्रोनीस में डालें। शिमला मिर्चें जो हैं वो मैं इस लिहाज से काटती हूँ, मेरे बच्चों को जो है वो इस तरह पसंद है कि लंबी लंबी और पतली कटी हो। ये मैंने शिमला मिर्चें भी लेनी, बंद गोभी भी लेनी, और एक अदद जो है वो मैं टमाटर ली है उसको भी मैंने ये छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। और साथ ही मैंने जो है वो प्याज भी ले लिया था मीडियम साइज़ में, उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया। और थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने अब इन सबको मिक्स करके, और सिर्फ अभी सुर्ख मिर्चें 1 टेबल स्पून और नमक भी जो है वो 1 टेबल स्पून करके इसको हल्की आंच पर पका लिया। साथ में मेरे पास फ्राइड कीमा था, क्योंकि बच्चों ने अचानक फरमाइश की थी, चिकन के बजाय मैंने थोड़ा सा फ्राइड कीमा जो है वो डाल दिया। दरअसल ये मेरे पास पड़ा होता है फ्राइड, जो बकरीद थी उसमें मैंने जो है वो बनाया था कीमा, और फ्राई करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। जब भी आलू कीमा वगैरह या शिमला मिर्च कीमा कुछ भी बनाना होता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने जो है ये सब कुछ नमक मिर्चें वगैरह सब डाल के मैंने हल्की आँच पर इसको पकाने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ जो है आपको तो पता है मैक्रोनीस ये मैंने सब इसमें डाला, लेकिन जब पक जाएगा तो इसके बाद आखिर में, दरअसल रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई थी क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, लेकिन जब ये पक जाएगा तो इसमें आपने 1 टी स्पून जो है वो काली मिर्चें डालनी है, काली मिर्च पाउडर डालना है, 1 टी स्पून जो है वो मैंने नींबू डाला है, और 1 टी स्पून मैंने विनेगर डाला है। ये एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था तो इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं हुई। और ये मैंने मैक्रोनीस जो है वो इनको बॉईल कर लिया, जब ये गल गए तो इसको मैंने छानने में डालकर इस पर ठंडा पानी गुजारा है ताकि ये जो है वो जुड़ ना जाए। जब ठंडा पानी गुजारेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। तो ये जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो इसमें मिक्स करूंगी। दरअसल गला भी मेरा ख़राब हुआ हुआ है, कुछ थोड़ा सा अचार वगैरह खा लो तो गला ख़राब हो जाता है। ये मैंने जो है वो क्योंकि ज़्यादा मैंने बनाए थे, बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा सा डाल के मिक्स कर रही हूँ, और केचप भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। अगर चिकन के वाइट पीसेस हैं तो आप उसमें वो डालने, मज़ा आएगा। कोई मेहमान वगैरह अचानक आ जाते हैं तो ये जल्दी डिश बन जाती है और अच्छी भी लग रही होती है। मैं अगर फर्स्ट क्या किसी के घर भी जाऊं तो पका हो तो मुझे सबसे ज़्यादा यही मैक्रोनीस ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।